सारे चीन नाराज था, नाराज है, अभी जाके ठीक रहा है। इस पाकिस्तान के हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है और पहली बार ये लग रहा है चेन गेम सीरीज से हासिल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज पहली बार बहुत डटकर इस सारे मंसूबे का जो सी बैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा बन रहा है उसका साथ दे रही है हर उस मामले पे जिसमें पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है। आप कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम दुनिया सुनेगी। वो जो एमकेएम का नारा था ना कि हमें मंजर नहीं कायद चाहिए, आप वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की थी, हम आकर की थी, अब हमने कायद से जान छुड़ा ली है क्योंकि हमें मंजर चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस वक्त इनको भी तय करना है कि इनके लिए लीडर अहम है कि पाकिस्तान अहम है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार सजाद मीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर सबसे पहले ये बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि शंघाई तावन तंजीम क्या है और इसकी सरबराही इजलास की जो मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है वो हमारे लिए इतनी अहम क्यों है? देखिए ये तंजीम जो है उस वक्त कायम हुई थी जब खित्ते में नेटो की अफवाज आ गई थी अफगानिस्तान में। नेटो का ये इदारा ऐसा नहीं था, वो यूरोप में ऑपरेट करने के लिए बनाई गई थी और उसका मतलब रूस के खिलाफ एक तरह का इत्तेहाद था यूरोप को बचाने के लिए। उसका इस तरफ आने का मतलब था कि वो अब अमरीका यहाँ भी दखल अंदाजी दे रहा है यूरोप के साथ, नेटो के साथ। जब नेटो की पहुंचे यहाँ आई तो शंघाई में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसकी मेजबानी जाहिर है कि चीन ने की और उसके साथ रूस था। रूस और चीन ने गोया इत्तेहाद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात थी और सेंट्रल एशिया की दो रियासतों ने मिलकर, चार रियासतों ने मिलकर एक तंजीम बनाई जिसके बारे में कहा गया कि नेटो की मौजूदगी की वजह से ये बनाई गई है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है, हम खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं जो फैलती जा रही है। ऐसा ऐसा ये तंजीम फैलती गई और अब 12 अरकान इसके रुकन है, पाकिस्तान भी इसका रुकन बना, काजकिस्तान में बना था, मुझे याद है मैं वहाँ मौजूद था अपने कुछ साथियों के साथ, और इंडिया भी उसी वक्त बना था। हमें सरताज अजीज ने दो तीन लोग थे, हम नाश्ते की मेज पर उनके साथ, उन्होंने बताया था वजीर खारजा थे हमारे कि इसमें हम अच्छी बहुत बदल, क्योंकि रूस चाहता था कि इंडिया मेंबर बन जाए। जाहिर है चीन को कबूल नहीं था, इसलिए कबूल नहीं था कि चीन की तो एक तरह की कंट्रडिक्शन है इंडिया के साथ। लेकिन चीन ने कहा मैं तैयार हो जाऊंगा इस शर्त पर कि अगर आप पाकिस्तान को भी मेंबर बनाते हैं इंडिया के साथ। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे काजकिस्तान में मेंबर बने थे और उस वक्त से पाकिस्तान इसका मुस्तकिल मंदूब है और उसके मुस्तकिल मेंबर बनने से उसकी हैसियत इस खत्ते में एक नए ब्लॉक के तौर पर बहुत मजबूत हो गई है। ये ब्लॉक अब खास तौर पर यूएनओ के मुकाबले में तो नहीं मैं कह सकता या नेटो के मुकाबले में तो नहीं कह सकता, लेकिन एक ताकत पकड़ता जा रहा है खत्ते में, जिसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, यानी गोया चार तो एटमी कुवतें शामिल हैं, ईरान भी शामिल है और बहुत से वो मुल्क शामिल हैं जिसको अमेरिका एक आंख नहीं पाता या अमेरिका उनको एक आंख नहीं पाता। ये उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी खत्ते में ताकत का मतलब ये है कि अगर कहाँ ताकत लगाने की कोशिश की गई कि लोग, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसको हम कहा जाए कि ये कोई फौजी इत्तेहाद है, लेकिन एक तरह से कैसा इत्तेहाद बनता जा रहा है जो अपनी कुव्वतें पकड़ते जा रहे हैं। पहली बार इसका इजलास जहां पर, बिल्कुल ठीक, पहली बार जी सजाद साहब जरा जी मेरा ख्याल है वो अपनी बात मुकम्मल कर रहे हैं, पॉइंट सजाद साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ नहीं, मैंने कहा पहली बार इसका इजलास जहां हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि इस्लाम पर बड़ाई कॉन्फ्रेंस जो भुट्टो साहब के जमाने में हुई थी और इसलिए पाकिस्तान में कराई गई थी, सऊदी अरब ने करवाई थी कि पाकिस्तान टूट गया था उस वक्त और टूटे हुए पाकिस्तान को सहारा देने के लिए यहाँ कॉन्फ्रेंस लाहौर में करवाई गई थी। उस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो इतने बड़े सरबरा जो है, इतने ज्यादा सरबरा जो है वो इकट्ठे पाकिस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिग्निफिकेंस बता दिया, बिल्कुल ठीक। सजाद साहब जरा इस बारे में अपनी राय दीजिएगा, वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र ने शंघाई तावन तंजीम इजलास को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दिया, आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है? असल में गेम चेंजर तो हमारे एक चीज को कहते रहते हैं और उसको अहम समझते हैं, लेकिन इससे आज से ये इम्पोर्टेंट है कि हम सी पैक को फिर पाकिस्तान में ला रहे हैं और सी पैक को पाकिस्तान में लाने का सबसे बड़ी निशानी यह है कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीनी नायब वजीर आजम एक बाइलेटरल दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी 13 साल के बाद पहली बार आ रहे हैं
और ये दौरा सिर्फ उनका इस काम पर मशहूरियत के लिए नहीं है बल्कि बाइलेटरल भी है, इसमें हमारे बहुत से साइन हो सकते हैं, बहुत सी बातों पे हम गौर कर सकते हैं। और अगर हम इस बात पे स्टार्ट करें तो हो सकता है रूसी सदर की आमद का प्रोग्राम भी कोई तय होने के कोई रास्ता हमवार हो जाए, और ऐसी सूरत में हम कह सकते हैं कि हम पर जो मगरब का दबाव है कि हम सी पैक को रोल बैक कर दें, और जो कहा जाता है कि पुरानी हुकूमत ने कर दिया था, कहा गया था एक फैक्ट है, रज़ाक दाऊद ने तो साफ कहा था, आते ही कहा था कि इसको एक साल के लिए मौकर कर दो, हुकूमत के सरबराह ने यह कह दिया था इसमें करप्शन हुई है, और बहुत नाराजगी की बातें भी सुनी थी सज्जाद साहब जी, मैं कहा नाराजगी की बातें भी सुनी थी चीन की जानिब से। जी जी, जाहिर है चीन नाराज था, नाराज है, अभी जाके ठीक रहा है, इस पाकिस्तान के हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, और पहली बार ये लग रहा है चेन गेम सीरीज इतिहास से किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज पहली बार बहुत डटकर इस सारे मंसूबे का जो सी बैक के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का मंसूबा बन रहा है उसका साथ दे रही है, क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान का चारा नहीं है, IMF पर गुजारा नहीं कर सकते। IMF का मतलब है कि पाकिस्तान आइंदा 10 साल 20 साल तक तरक्की नहीं करे बल्कि स्टेटस को बाकी रखे। तो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको नए एवेन्यू चाहिए, वो एवेन्यू सारे आ रहे थे सी पैक के जरिए से, इसको खत्म किया गया था, अब दोबारा सी पैक टू के जरिए एक नए चांसेस पैदा हुए हैं, पाकिस्तान उसको अवेल करना चाहता है। बिल्कुल अवेल करना चाहिए और इसकी राह में ना रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। सज्जाद साहब, हमने देखा एक जमात है तहरीक इंसाफ, पहले भी उनकी तारीख रही है, उन पर तनकीद होती रही है कि आपकी वजह से बहुत से अहम दौरे थे कई सरबराहान मुमलिकत के जो कि मुलतवी हुए, और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो है वो कल फिर डी चौक में धरने का ऐलान कर रखा है और वो करने जा रहे हैं, और ये इंतहाई अहम मौका है, आखिर आप हासिल क्या करना चाहती है तहरीक इंसाफ? वो कुछ नहीं करेंगे जी, वैसे पहली बात तो ये है। अच्छा, आसान कल धरना करना ऐलान कर दिया, उन्होंने अच्छा किया, हंगामा वामा करेंगे, लेकिन ये या तो फ्रस्ट्रेटेड है या उनको नहीं पता कि पाकिस्तान का मफाद किस बात पे है, या वो उन कुवतों के साथ खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब भी पाकिस्तान के लिए ऐसा मरहला आता है वो खड़े हो जाते हैं, जब चीनी सदर पहली बार पाकिस्तान में आने लगे 2014 में वो धरना बैठे हुए, इससे बाद भी जब भी कभी ऐसा अहम मौका आया वो हंगामा किए बैठ जाते हैं। सर, ये भी पीछे एपीसी हुई फलस्तीन से सोलिडैरिटी शो करने के लिए, वहां नहीं आए, वहां शिरकत नहीं की जी, हर उस मामले पे जिसमें पाकिस्तान का मफाद वाबस्ता है। आप कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम दुनिया सुनेगी, वो जो MTM का नारा था ना कि हमें मंजर नहीं कायद चाहिए, आप वो कह रहे हैं कि हमने बड़ी गलती की थी, हम आकर की थी, अब हमने कायद से जान छुड़ा ली है क्योंकि हमें मंजर चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो इस वक्त इनको भी तय करना है कि इनके लिए लीडर अहम है कि पाकिस्तान अहम है। ये कहते हैं मुलाकात करा दो, हम नहीं करेंगे, भाई ये क्या बात हुई, और हम इस दिन क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि दुनिया तमाशा देखे, दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बनाना चाहते हैं। इसका मतलब साफ ये है कि आप महदोस्तर नहीं है, इसका मतलब साफ ये है कि आप एक पैट्रियोटिक जमात नहीं है, इसका मतलब साफ ये है कि आप एक वो एक्सट्रीमिस्ट जमात है जिसे आजकल एक्सट्रीम राइट की जमात कहा जाता है, और पुराने जमाने में इसे हम फासिस्ट जमात कहा करते थे, यानी आप हिटलर हैं इस जमाने के, आप मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, आप सिर्फ चाहते हैं कि हमको मानो और हमको तस्लीम करो, हमें इकदार को हमारे लीडर को लीडर मानो, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है, ये जमहूरियत नहीं हुआ करती। ये कहना कि अवाम साथ है, तो फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर अवाम गलत सोच रहे होंगे तो अवाम को किस तरह राम किया जाए और अवाम को किस तरह से समझाया जाए कि जमहूरियत नहीं है, क्या हमारे अवाम जमहूरियत के खिलाफ चल पड़े हैं? हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वो जी मीर साहब, आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की कि वो जो नारा लगाते थे ना कि हमें मंजिल नहीं कायद चाहिए, उन्होंने भी अपनी इसलाह कर ली, और इनके पास भी अभी मौका है कि ये अपनी इसलाह कर लें और अपने जो जाती मफादात हैं उनको पीछे रख दें, मुल्की मफादात को आगे रखें। हम एक अब इसी मैसेज के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं। स्टेट के इंटरेस्ट को आगे रखना बहुत जरूरी है इस वक्त के लिए।